खबरों की नई पहचान। इंटर की फेल छात्राओं ने दिया धरना, उपायुक्त पर वादा खिलाफी का आरोप। हमारी मांगे नहीं मानी गईं तो कॉलेज का कोई भी काम नहीं होने दिया जाएगा, यह कहना है झारखंड एकेडमिक काउंसलिंग के खिलाफ आंदोलनरत छात्र छात्राओं का। शहर के रणधीर वर्मा चौक पर गुरुवार को इंटर की छात्र छात्राओं ने मीडिया को बताया कि बुधवार को 3 घंटे के सड़क जाम के बाद उपायुक्त धनबाद से आश्वासन मिला था कि वह उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे, परंतु गुरुवार को उपायुक्त से बात करने के बाद उन्हें किसी प्रकार का सकारात्मक जवाब नहीं मिला, जिससे वह लोग काफी दुखी हैं। मैं BSS कॉलेज से हूँ। हम लोग 3 दिन से आंदोलन कर रहे हैं कि हम लोग को इंसाफ चाहिए, पर हम लोग को कोई सुना नहीं जा रहा है। इसके पास गया DC सर, क्या बोला? DC सर का बस यही कहना है कि सप्लीमेंट्री का फॉर्म कल से निकल रहा है और सभी छात्र आए अपनी सप्लीमेंट्री की फॉर्म भरे और सप्लीमेंट्री के एग्जाम दे, क्योंकि दौड़ भाग करके कोई फायदा नहीं। DC सर बोले जो हमसे बनेगा हम वो करेंगे, हम आपकी आवाज़ जैक काउंसिल तक पहुंचाएंगे और बाकी सब बच्चा आपकी बात फ्यूचर की, अगर आप लोग अभी ज़्यादा करोगे तो हो सकता है आगे चल के आपके फ्यूचर भी खराब हो सके। इसलिए एक आसान सा तरीका है कि सभी छात्र छात्राएं मिलकर सप्लीमेंट्री का फॉर्म भरे और एग्जाम दें। आप लोग क्या निर्णय किए? अभी निर्णय यही होगा, जब लास्ट ऑप्शन हम लोग के पास सप्लीमेंट्री का बच्चा है तो लगभग सारे बच्चे सप्लीमेंट्री का ही जाए, अगर ये मौका हाथ से चला गया तो फिर तो एक साथ पूरा बर्बाद हो जाएगा हम लोग का।